हम लोग वहां पे जीटा का वैल्यू डिराइव किए थे। तो अगर सीरीज सर्किट का बात करेंगे तो वहां पे जीटा का वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, व्हाट इज माय जीटा सीरीज, ओके क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर बाय 2 इनटू रूट ऑफ और सी बाय एल था। एंड अगर पैरेलल सर्किट का बात करेंगे तो वहां पे जीटा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 आर रूट ऑफ और एल बाय सी। ये था मेरा जीटा सीरीज सर्किट का जीटा वैल्यू एंड पैरेलल सर्किट का जीटा वैल्यू, ओके। तो वहां पे हम लोग जीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए भी उसको डिराइव किए थे फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम, ओवरडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम एंड माय अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आज क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सिस्टम। तो अगर क्वालिटी फैक्टर का बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, हम लोग ऑलरेडी क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस जब हम नेटवर्क थ्योरी डिस्कशन करते थे तो नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में जान चुके हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर इज यूज्ड टू, तो ये क्या होगा, आपको आपको इंफॉर्मेशन देगा फॉर माय एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर इज डिटरमाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ माय एल एंड सी इन द सर्किट, ओके। चलिए तो अगर सीरीज सर्किट का बात करेंगे तो सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर क्या है, व्हाट इज माय क्वालिटी फैक्टर, और इसको हम बोलेंगे क्यू सीरीज। तो सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू कुछ इस तरह है, अभी हम क्या करेंगे, सीरीज सर्किट में क्वालिटी फैक्टर एंड जीटा दोनों का जो वैल्यू अभी हम लोग लेके ही आते हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन है तो उस रिलेशन का भी डिराइव करेंगे। तो क्या होगा रिलेशन, रिलेशन होगा मेरा Q इज इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू R बाय 2, ओके अभी 2 एक डिवाइड किया हूं मैंने और एक मल्टीप्लिकेशन किया हूं, ओके इनटू C बाय L। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज इंप्लाइड मैं क्या इसको लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू 1 बाय 2 जीटा, Q इज इक्वल टू 1 बाय 2 जीटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्वालिटी फैक्टर में जीटा का बीच में अगर रिलेशन देखूं तो क्या होगा यहां पे, Q इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय जीटा, ओके दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड माय जीटा वैल्यू इन सीरीज सर्किट, क्लियर। चलिए तो इसका मतलब क्या होगा यहां पे, अगर मैं जीटा का वैल्यू यहां पे 0 लूं तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इफ आई टेक इफ जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा यहां पे क्वालिटी फैक्टर, फॉर क्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट मींस आर इज नॉट प्रेजेंट ओके एंड ओनली एल एंड सी आर प्रेजेंट, ओनली एल एंड सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट, ओके। तो क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट मतलब क्या है, आर यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल एंड सी यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो मेरे को पता है कि क्या क्यू पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय क्यू सीरीज, और मैं इसको बोल सकता हूं क्या क्यू सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय क्यू पैरेलल, ओके। तो यहाँ पर पैरेलल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट, तो दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू
क्यू पैरेलल ओके इज इक्वल टू आर इनटू रूट ओवर सी बाय एल इनटू रूट ओवर सी बाय एल दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट ओके सीरीज सर्किट का क्या था दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज सर्किट दैट इज 1 बाय आर इनटू रूट ओवर ऑफ एल बाय सी एंड पैरेलल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है दैट इज आर इनटू रूट ओवर सी बाय एल तो यहां पे देखिए यहां पे अगर हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल सर्किट का बात करूं तो क्यू पैरेलल और जीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा दैट इज इक्वल टू क्यू पैरेलल इज इक्वल टू 2 जीटा इज इक्वल टू 2 जीटा दिस इज द रिलेशन बिटवीन पैरेलल सर्किट इन क्वालिटी फैक्टर एंड जीटा भी तो यहां पे देखिए तो यहां पे क्या है अगर सीरीज सर्किट का बात करें तो ये मेरा फार्मूला है दिस इज q इज इक्वल टू 1 बाय 2 जीटा दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी फैक्टर एंड माय जीटा वैल्यू फॉर पैरेलल सर्किट q parallel is equal to 2 zeta this is the relationship between my quality factor and zeta clear to ye ho gaya hamara quality factor to ab itna hi abhi yahan pe discussion karenge hum zyada wahan pe conceptually discussion nahi karenge to aap quality factor ke bare mein pura acche se jo network theory hum padhenge to network theory mein pura aap usko acche se deal karenge theek hai to this is the quality factor to chaliye kuch numerical abhi discussion kar lete hain So, question number 16 क्या बोल रहा है? In a fast order system and its time response to the unit step input, okay? Then what is the value of gain k? तो यहाँ पे मेरे को एक fast order system given है, ठीक है? And क्या given है? ये जो system है, इसका जो input है, that is my unit step input. तो मेरे को यहाँ पे gain क्या calculate करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे चार option भी given है, तो यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है दैट इज माय ओपन लूप सिस्टम का गेन गिवन है और ये जो ब्लॉक डायग्राम है दिस इज अ क्लोज लूप सिस्टम ओके क्लोज लूप सिस्टम का अगर ब्लॉक डायग्राम है लेकिन यहाँ पे गेन क्या है मतलब के डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टर्म तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन तो ट्रांसफर फंक्शन ओके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके तो मैं यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो k डिवाइडेड बाय 1 प्लस s tau डिवाइडेड बाय 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 1 प्लस s tau तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 1 प्लस s tau प्लस k ओके सो दिस इज माय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके तो यहाँ पे देखिए तो ये फैक्टर सिस्टम है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है यहाँ पे आपका जो आउटपुट गिवन है तो आउटपुट का अगर उसका वेवफॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा तो आउटपुट वेवफॉर्म जो है तो यहाँ पे इन्फानाइट में कितना वैल्यू आ रहा है तो इन्फानाइट में कितना वैल्यू आ रहा है दैट इज सी ऑफ इन्फानाइट अगर मैं इसका वाई ऑफ इन्फानाइट तो वाई ऑफ इन्फानाइट का बात करूँ तो यहाँ पे गिवन कितना है 0.8 तो यहाँ पे देखिए तो 0.8 गिवन है तो मैं यहाँ पे इसको क्या मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ अगर इसको मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करूँ तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला तो y ऑफ इनफाइनाइट व्हाट इज माय y ऑफ इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इनटू y ऑफ s ओके तो व्हाट इज माय y ऑफ इनफाइनाइट तो हमको यहाँ पे गिवन है द वाई ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू इज माय 0.8 ओके तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वाई ऑफ इनफाइनाइट के वैल्यू के बदले में पुट करूंगा क्या 0.8 ओके दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा हमारा s होल इनटू k डिवाइडेड बाय ओके और यहाँ पे इनपुट क्या है सॉरी यहाँ पे इनपुट क्या है तो r ऑफ s क्या है r ऑफ s गिवन है हमारा 1 बाय s तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं वाई ऑफ एस का वैल्यू क्या निकालूंगा व्हाट इज माय वाई ऑफ एस तो वाई ऑफ एस हो जाएगा क्या के डिवाइडेड बाय एस होल इनटू 1 प्लस एस टाउ प्लस के क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है मतलब यूनिट स्टेप इनपुट है तो यहाँ पे डायरेक्टली एस को लिखूंगा क्या एस होल इनटू 1 प्लस एस टाउ प्लस के क्लियर तो एस एस गॉट कैंसिल तभी यहाँ पे अगर इनपुट में लिमिट पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा
अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, तो 0.8 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1 प्लस के आ जाएगा, 1 प्लस के आ जाएगा क्लियर। तो अगर 1 प्लस अभी इसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू यहां पे मेरे को मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 0.8 के तो यहां से मेरे को मिलेगा क्या 0.8 इज इक्वल टू 0.2 के तो यहां से k का वैल्यू क्या मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4, k का वैल्यू आ जाएगा मेरा यहां पे 4। तो k का वैल्यू 4 मींस दैट इज माय ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पे क्या गिवन था मेरे को, यहां पे आपको एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन है और क्या गिवन है आपका इनफाइनाइट का वैल्यू गिवन है, तो सी इनफाइनाइट में आउटपुट आपको गिवन है दैट इज माय 0.8 ओके। तो डायरेक्टली हम फाइनल वैल्यू थ्योरम यहां पे पुट किए हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम पुट करके हम यहां पे k का वैल्यू निकाले हैं ओके। चलिए तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ए सिस्टम विद ए ट्रांसफर फंक्शन 1/1 plus s tau is subjected to a unit step input takes 10 seconds to reach the 50% of the step height okay then calculate the value of tau। to yahan pe kya given hai aapko, aapko given hai first order system ka transfer function given hai that is 1/1 plus s tau okay, aur kya given hai aapko time given hai kitna 10 second of the it will take the 10 second to reach the 50% of the step height okay। to input kya given hai aapko, agar main input ka baat karu to input given hai mera unity step input ओके। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का हम बात करेंगे यहां पर तो इन द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्या है, यहां पर ट्रांसफर फंक्शन दैट इज 1/1 cos s tau, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अगर स्टेप इनपुट होगा, इनपुट क्या है यहां पर गिवन है, इनपुट इज माय यूनिटी स्टेप इनपुट, यूनिटी स्टेप इनपुट ओके okay? तो आपको क्लियरली पता है अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट के लिए तो टाइम रिस्पांस एनालिसिस क्या होगा, सी ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माय सी ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ ओके u ऑफ टी क्लियर। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप इनपुट ओके। तो यहाँ पे क्या गिवन है और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है इट विल टेक 10 सेकेंड टू रीच 50% ऑफ द स्टेप हाइट। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको क्या पता है, इनपुट क्या है आपका, इनपुट है स्टेप रेस्पॉन्स, तो स्टेप रेस्पॉन्स का स्टेप हाइट क्या है, तो स्टेप हाइट यहां पे 1 होगा, तो स्टेप हाइट क्या है दैट इज माय 1, तो इसका 50%, तो इसका 50% मतलब 50% ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो डायरेक्टली अभी हम क्या करेंगे, 0.5 का वैल्यू मैं यहां पे सी ऑफ टी में पुट करूंगा, तो सी ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर टाइम कितना है मेरा 10 सेकेंड 10/tau ओके 10/tau क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम 1 को यहां पे ले आएंगे तो ये e क्या हो जाएगा मेरा, इसको यहां पे ले आएंगे तो e टू द पावर 10/tau इज इक्वल टू 0.5 ओके। तो यहां से अगर ln पुट कर देंगे तो यहां पे क्या होगा, ln 0.5 इज इक्वल टू 10/tau ओके। तो यहां से अगर कैलकुलेटर पुट करके यहां पे tau का वैल्यू निकालेंगे तो tau का वैल्यू क्या होगा 14.4 सेकंड ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज माय 14.4 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इतनी जे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट यहां पे आपको गिवन है, तो यूनिट स्टेप इनपुट का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का
आउटपुट क्या है, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ u ऑफ t, आपको ये क्लियरली पता है, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। फिर क्या गिवन है कि इट विल टेक 10 सेकंड, तो 10 सेकंड टाइम के लिए इट विल टेक 50% ऑफ द स्टेप हाइट, तो स्टेप हाइट अगर यूनिट स्टेप होगा तो स्टेप हाइट मेरा 1 है, तो उसका 50% मतलब क्या है 0.5, तो डायरेक्टली हम 0.5 यहां पे पुट किए हैं, तो 0.5 पुट करके यहां पे हम टाउ का वैल्यू निकाले हैं, तो टाउ इज माय 14.4 सेकंड, तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैज द ट्रांसफर फंक्शन इज 100 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100। ओके, तो आपको यहां पे सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है जिसका ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, तो यहां पे कौन सा रिस्पांस है। ओके, देन और नेचर ऑफ द रिस्पांस, सेकंड इज जीटा एंड ओमेगा एन वैल्यू, एंड थर्ड इज माय क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, आपको यहां पे सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो प्रीवियसली हम जो दो क्वेश्चन डिस्कशन किए थे वहां पे आपको क्या गिवन था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम गिवन था, लेकिन यहां पे क्या गिवन है, आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर गिवन है तो यहां पे हमको जीटा एंड ओमेगा एन का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बात करूं, तो क्या है मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दी से बताइए, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे मेरा गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो गिवन क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, s स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100। ओके, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पे ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, बड़ी में ओमेगा एन वैल्यू जल्दी से बताइए, ओमेगा एन का वैल्यू क्या है, तो ओमेगा एन मैं लिख सकता हूं क्या, ओमेगा एन इज इक्वल टू 100। ओके, सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहां से ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ओके, 10 रेडियन पर सेकंड, तो दिस इज माय ओमेगा एन वैल्यू। देन हम जीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो जल्दी से जीटा का वैल्यू निकालें, तो 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या है मेरा यहां पे 20, तो यहां से क्या होगा 2 * जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 20, तो यहां से मेरा को जीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, तो जीटा इज इक्वल टू 1, जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 है मेरा, तो आप इजीली बता सकते हैं ये कौन सा सिस्टम है, तो जीटा का वैल्यू क्या होगा सिस्टम का नेचर, तो नेचर ऑफ द सिस्टम इज माय मैं बोलूंगा द नेचर ऑफ रेस्पॉन्स इज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, क्योंकि मेरा जीटा का वैल्यू यहां पे 1 आया है, अगर जीटा का वैल्यू 0 आता तो ऑन डैम्प सिस्टम, और जीटा का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में आता तो दिस इज अ अंडर डैम्प सिस्टम, यहां पे जीटा का वैल्यू मेरा क्या आया है 1 आया है, सो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी आ गया मेरा, दैट इज माय क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, व्हाट इज माय क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्टली फार्मूला पुट करेंगे, u 1/2 जीटा, तो क्या होगा क्वालिटी फैक्टर, तो दिस इज 1/2 * 1, दैट इज इक्वल टू 1/2, सो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा मेरा यहां पे 1/2, क्लियर, सो दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो यहां पे हम लोग सीरीज एंड आरएलसी सर्किट का पूरा डेरिवेशन किए हैं, वहां पे उसका जीटा का वैल्यू निकाले हैं, तो जीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम उसको डिराइव किए हैं, जीटा इज इक्वल टू 0 से लेके जीटा इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 तक, उसके बाद हम क्या किए हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कशन किए हैं, तो क्वालिटी फैक्टर में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीटा एंड क्वालिटी फैक्टर। ओके, फिर हम क्या किए हैं उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आज हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है, तो चलिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम और टाइम रिस्पॉन्स का हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।